वहीं मुरादाबाद के बाद सीएम योगी रामपुर जाएंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी पुलिस ने कर ली है। कार्यक्रम स्थल से हमारे संवाददाता फहीम खान की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम इसी जनसभा स्थल पर है। ये महात्मा गांधी स्टेडियम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, पूरी तरह से हर पॉइंट पर अपने मुस्तैद होने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये जवान को जिन्हें जो है पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने ब्रीफ किया है, आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिस है ये सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पर पर तैनात रहेगी। और कहीं पे भी किसी को भी गड़बड़ करने की कोशिश कोई करेगा तो उसको रोक लिया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं है, चारों तरफ सुरक्षा का पहरा है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और पुलिस अधीक्षक, आप देख सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक यहाँ इनको ब्रीफ कर रहे थे और अभी बता रहे थे कि किस तरह से ड्यूटी स्पेन करनी है और किस तरह से ये सुरक्षा खाका पूरी तरह से तैयार होगा। और आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको कि ये स्थिति है पूरे पंडाल की। और इस पंडाल में चारों तरफ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी तैनात हैं और चप्पे चप्पर पर पुलिस रहेगी। जो भी अधिकारी हैं वो सारे अपनी ड्यूटियों पर लगे हुए हैं। जिलाधिकारी ने जिनको जहां ड्यूटी सौंपी है वो सब आप देख सकते हैं कि ये पीछे मंच है। और ये जो मंच है, इस मंच पे बैठे हैं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और उनकी पूरी फोर्स। आप देख सकते हैं सामने जो अफसर हैं वो पुलिस के अफसर इस वक्त मौजूद हैं और ये अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए, ड्यूटी को टाइट करने के लिए और जिन जिन जगहों पे ड्यूटी के पॉइंट बनाए गए हैं उन जगहों पे लगाने के लिए ये लोगों को निर्देशित कर रहे हैं। और यहीं से, इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे, 84 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। लगभग 610 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं होंगी। आप देख सकते हैं ये वो पंडाल है जिसके अंदर 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि 20,000 लोग यहां पहुंचेंगे। लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस है, अभी तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है, लोग अभी नहीं आए हैं। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री 1:30 बजे का उनका कार्यक्रम यहाँ है, 1:35-1:25 का, वो किस समय यहाँ पहुँच। आप देख सकते हैं कि राजेश द्विवेदी पूरी तरह से सुरक्षा के मामले में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं और लगातार वो अपने ड्यूटी दे रहे हैं और ड्यूटी जो लग रही हैं उनको चेक भी कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं कोई चूक ना रह जाए। अब जिस समय यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री रामपुर के लोगों को यहाँ सौगात देते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए फहीम खान, रामपुर।